हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू टू वॉच माई वीडियो रेगुलरली टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। इन माई प्रीवियस वीडियोज आई टॉट यू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉडल्स एंड सम टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर रिमेनिंग, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स। जो हमारा नीड का एक यूज बचा था उसको हम आज देख लेते हैं। देखो, नीड का हिंदी में अर्थ होता है आवश्यकता, लेकिन इसका यूज करते हैं हम आवश्यकता के लिए। यह चाहिए, जैसे मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक पेन चाहिए, तो ये की सेंस है। जैसे आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए, तो आई नीड ए पेन, यही बात है, या मुझे एक पेन की आवश्यकता है, यही बात है। तो इसी तरीके से आई नीड ए पेपर, इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो ये नीड का यूज करते हैं हम सामान यानी वस्तुओं के लिए, सामान के लिए, किसके लिए, सामान के लिए। तो इसमें सामान कोई चीज आ जाए तो उसके लिए हम नीड का यूज करेंगे। और आप कहेंगे देखो, शुड माने भी चाहिए है, मस्ट माने भी चाहिए है, और ऐसे वांट माने भी चाहिए है। तो हम देखो सुझाव में बता देता हूँ, शुड का मतलब देखो, शुड माने भी चाहिए होता है, और एक नीड माने भी चाहिए होता है, या इसको हम आवश्यकता भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें शुड का यूज करते हैं काम के लिए, किसके लिए, काम के लिए, और इसका यूज करते हैं सामान के लिए। ये कॉन्सेप्ट रह गया था, मैं आज क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, और आशा है प्लीज वॉच माई वीडियो अटेंटिवली केयरफुली सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर इन योर ब्रेन इन योर माइंड। सो प्लीज वॉच माई वीडियो अटेंटिवली केयरफुली, ओके। वेल चलिए देखो ध्यान से, तो मैं आपको इनका दोनों का यूज बता देता हूँ, ये सजेस्टर के लिए भी। जैसे मान लीजिए, जैसे आप मुझे उससे आपको स्कूल जाना चाहिए, ये काम है ना, जैसे यू लर्न इंग्लिश भी ये काम है, लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये काम है। यू शुड प्ले फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, ये काम है। लेकिन कोई सामान चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम नीड का यूज करेंगे। जैसे आई नीड ए चाक या फिर बोर्ड, कुछ भी, एनीथिंग एल्स यू कैन टेक हियर, एंड दे नीड ए कैमरा, इस तरीके का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और सारे उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लेकिन शुड भी है, देखो शुड भी है, मस्ट भी है, और ऑट टू, इसी तरीके से वांट माने भी होता है और नीड माने भी होता है, जिनका मतलब सभी का चाहिए होता है, लेकिन सबका अलग अलग यूज होता है। हमें यही कॉन्सेप्ट की समझने की आवश्यकता है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया तो हमारा जो है कोई जो है डाउट नहीं रहेगा माइंड में। तो ये इसका हम जानते हैं कि सजेशन के लिए लगाते हैं या काम के लिए लगाते हैं, कह सकते हैं आप सजेशन यानी काम के लिए लगाते इसको, ठीक है। मस्ट का भी होता है, परंतु कंपलसरी आपको करना ही है,
So you must do, you must study English. Otherwise you cannot be a good speaker of English. Well, चलिए देखिए, तो ये स्कूल आते हैं हम कंपल्सरी के लिए, कंपल्सरी के लिए लाते इसको, मोरल ड्यूटी के लिए। मोरल कर्तव्य तो हो सकता है, जैसे हम वी शुड नॉट क्वेल ईच अदर, हमें लड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है नैतिक। वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट वन अनदर, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जी क्या नैतिक कर्तव्य है। वी शुड रिस्पेक्ट द पीपल, वी शुड ऑबे द ओल्ड पीपल्स, एल्डर्स यू कैन से। वी शुड रिस्पेक्ट अवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ये क्या है मॉरल ड्यूटी हमारी। और वांट का हम जनरल वाक्यों में करते हैं, जैसे कोई चीज, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो देयर। वेल, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो आई वांट टू टीच यू, है मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, काम के लिए हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। और नीड का प्रयोग मैंने बताया सामान के लिए, थिंग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, कुछ भी हो सकता है। वेल, आई नीड ए मोबाइल, आई नीड ए हाईटेक मोबाइल, विदाउट दिस मोबाइल आई कांट प्रिपेयर अ सो नाइस वीडियो फॉर यू, आई कांट टीच यू वेरी वेल, बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू द टेक्निकल एज, यू नो वेल, वी आर पासिंग थ्रू द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एज। So there is a need of technical and so super fast and mind blowing electronic device through which I can shoot a very nice interesting videos for you so that you can improve your English language. Well, thank you to watch my video. Okay, well.